ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ज्ञान है, मैंने समझाया था आपको। और यदि कोई चीज हमारे पास नहीं है, इसका मतलब उस चीज की हमारे पास कमी है, और कोई चीज हमारे पास है, इसका मतलब उसकी कमी नहीं है। इन दोनों तथ्यों को जानने के लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि हमारे इस जन्म में हमारे द्वारा जो भी जीवन में गलत करते हुए हैं हमारे द्वारा, तो उसके अंक, उस ग्रह से संबंधित अंक या ग्रह हमारा मिस हो गए, खराब हो गए, इसलिए वो पेशा नहीं बदल। यदि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता, तो हमें उस अंक की कमी महसूस होती है, और वो कमी के कारण हम जीवन में परेशान रहते। पंचलय, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर, जिस तरह से हमारी लोसो ग्रिड में 81 युक्तियां होती हैं, ये उसमें पूरा न्यूमरोलॉजी समाया हुआ है, लेकिन पंचलय 25-30 ऐसी युक्तियां हैं जो फिक्स हैं। वो घटना घटती है 2 दिन पहले घटे या 2 दिन बाद घटे, उस घटना को कोई रोक नहीं सकता। विशेष योग, कुछ विशेष योग होते हैं जो हमारी ग्रिड में आते हैं। 1 और 9 नंबर, अगर सबसे शुभ अंक कौन से होते हैं जो शुभ आज समझता जाता था, 1, 3, 5, 6। 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का होता है। एक ये चारों के चारों अंक हमारे ग्रिड के अंदर बड़े अच्छे पाए जाते हैं। 1 और 4 यदि अंक नहीं है किसी के पास, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से किसी भी तरह का इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का कोई भी नोटिस आ सकता है। 1 नंबर आता है अगर किसी के पास, जैसे 2000 के बाद 1 नंबर का अभाव है, अगर 1 नंबर किसी के पास आता है, तो ऐसा व्यक्ति प्लानिंग का मास्टर होता है, प्लानिंग अच्छी होती है। एक बार एक आया मतलब कैरियर अच्छा होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट में एक के अंत से कैरियर देखते हैं, और 1 नंबर नहीं है तो नॉर्थ जोन में वास्तु दोष होने की संभावना रहती है। 1-2 बार आता है तो प्लानिंग अच्छी होती है, 1-3 बार आता है तो अच्छी प्रतिभा होती है, 1-4 बार आता है तो करियर अच्छा है, 1 बहुत प्रसिद्ध है मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, दिमाग से काम करना चाहिए, ज्ञान के लिए गुरुवार को पीले कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। आज गुरु 3 नंबर गुरु है, ज्ञान का कारक है, विष्णु भगवान इसके प्रतीक है, नारायण इसके प्रतीक है, पीला कपड़ा ज्ञान का प्रतीक है, पीले रंग से हमारा ज्ञान का संबंध है। अगर हम पीले रंग का कपड़ा पहनेंगे, पीले रंग का धागा बांधेंगे, तो हमें बड़ा अच्छी जीवन की बारे में फीलिंग। अब देखिए, एक एक नंबर 4 बार करियर अच्छा, बहुत प्रसिद्धि मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान है, दिमाग में काम करना चाहिए, ज्ञान के लिए गुरुवार को पीले कपड़े अवश्य पहने। 1 नंबर 5 बार आने के कारण मान सम्मान व करियर अच्छा, 2 और 4 पूरे विश्व में सब में शुभ अंक बना। पूरे विश्व में 2 चंद्रमा का 4 राहु का ये शुभ अंक माना जाता है। अगर किसी के पास पैसे की कमी है, पैसे की दिक्कत है, पारिवारिक लाइफ में परेशानी है, तो ऐसा व्यक्ति 2 नंबर और 4 नंबर अपनी टेबल पे लगा दे, अपनी कलाई पे लगा दे, अपने किताब पे लगा दे,
24 नंबर अपने पास रखे। 2 + 4 का मतलब होता है 6। 6 क्या होती है? लग्जरी। 6 क्या होती है? सुख। 6 क्या होता है? एंजॉय। और 6 क्या होता है? मित्रता। एक शब्द कई शब्दों को फुलफिल करता है। अगर आप शब्दों के अर्थों को समझना शुरू कर देंगे तो आप विश्वास करना, आपको ज्योतिष को सीखने से कोई भी नहीं रोकता। मैंने 2, 4, 6 नंबर हो गया ये। अब इसके बाद क्या देखता हूं? 2, 4 इससे प्रसिद्धि भी मिलती है और धन भी धान भी होता है। अच्छा, आप अपने मोबाइल में 2 और 4 नंबर भी रख सकते हैं। 2 और 4 पूरे विश्व में शुभ अंक माना जाता है। भौतिक संसार का मतलब धन सुख समृद्धि इसके लिए शुभ होती है। अपने मोबाइल, धन, तिजोरी, गाड़ी के ऊपर, घर की दक्षिण दीवार पर रोज अपने लेफ्ट हाथ के अंगूठे से 24 नंबर चिपकाएं। आप अपने मोबाइल पे, तिजोरी पे, गाड़ी के ऊपर, घर की दक्षिण दीवार पर 2, 4 चिपकाएं। इससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। 2 नंबर नहीं है किसी के पास। 2 नंबर जी होने से बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। 2 नंबर जी होने से आदमी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड मतलब ग्राउंड से ऊपर पे रहता है, भले ही वो सोने जी जाए या वहां करे, दिन भर काम वहां करेगा, सोने के लिए 2 नंबर जाएगा। ये लोजिक है। 2, 5, 8 नंबर होने के कारण प्रॉपर्टी रहेगी। 2 नंबर चंद्रमा का, 5 नंबर बुध का, 8 नंबर शनि का, ये अगर हमारे पास है तो ऐसा व्यक्ति ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। और ऐसा व्यक्ति दबंग भी होता है, ऐसा व्यक्ति कंजूस भी होता है। ये सारे के सारे पहलू 2, 5, 8 वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। 2, 7 नंबर होने के कारण वैवाहिक जीवन एवं संतान में परेशानी रहती है। ये मैं विशेष योग बता रहा हूं, ऐसा होने पे विशेष बातें पाई जा सकती हैं। 2, 7, 6 नंबर होने के कारण तुरंत एक्शन लेंगे, विचारों को अमल में लाना। 2, 7, 6 एक्शन प्लान। इंसान सोचता तो बहुत है, वह करता कितना है, यह हम यहां से देखते हैं। 2, 7, 6 नंबर वाला व्यक्ति किसी भी काम का एक्शन लेने में एक्सपर्ट होता है। अब 2, 7, 6 नंबर एक्शन का नंबर होता है। इंसान सोचता तो बहुत है, वह करता कितना है, यह हम यहां से देखते। 2, 5, 8 एक अंक भी है तो बेडरूम ऊपर की छत पर बना होगा। अगर 2, 5, 8 में से एक अंक भी हो तो बेडरूम ऊपर की छत पर। 2, 5, 8 नहीं है अगर किसी के पास, तो अर्थ एलिमेंट नहीं है तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। मकान नहीं बनता बने बनाए में ही जाए, मकान बनाएगा तो पत्नी बीमार हो जाएगी, नींव नहीं डालनी चाहिए। कई बार हम जिद करके काम कर देते हैं जो कि बाद में नुकसानकारी सिद्ध होता है। इस 2, 5, 8 वाले का मिस है तो मकान नहीं बनाना चाहिए। और 2, 5 किसी के पास है तो उसे प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल होता है, जमीन से हकीकत से जुड़ा रहता है, व्यावहारिक होता है, गलत कार्य नहीं करता, नियमों का पालन करता है, हड्डी मजबूत होती है और दीर्घ आयु होती है, लेन देन का अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। अगर किसी कारण से आप में अर्थ एलिमेंट की कमी है, आपको नंगे पैर जमीन पे घूमना चाहिए। अगर आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो अर्थ एलिमेंट का होना हमारे पास बहुत ही अनिवार्य है। अगर अर्थ एलिमेंट हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर अर्थ एलिमेंट की कमी के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर किसी के पास 3 नंबर नहीं है
तो व्यक्ति को मान सम्मान के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, उस मेहनत करनी पड़ेगी। और तीन नंबर है तो मान सम्मान ऑटोमेटिक व्यक्तिगत रूप से मिलेगा व्यक्ति को, और पांच नंबर भी उसका साथ अटैच है, तो तीन और पांच वाले व्यक्ति लोगों के दिलों में बैठ जाते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और तीन का अंक बताता है जीवन भर माता पिता का सपोर्ट रहेगा, मतलब लंबे समय तक माता पिता रहेंगे, उनका सहयोग एवं साथ रहेगा, उनका सुख देखता है जीवन में। तीन नंबर है तो पैसा कमाता है, रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता है। तीन का अंक बताता है जीवन भर माता पिता का सपोर्ट रहेगा। डबल थ्री नंबर दो बार आता है तो जल्दी कमाने लगता है। तीन फाइव कारण जनता में प्रसिद्धि रहती है, तीन पांच के कारण लोग उनके दिल को पसंद करते हैं, तीन पांच सात भावनात्मक दिल की आवाज, रोमांस, शारीरिक क्षमता, आध्यात्मिक संवेदना, प्यार दिल, इंस्टीट्यूशन पावर, सिक्स सेंस काम करती है। तीन सात नंबर है तो पहली संतान लड़की होती है, और तीन सात के ना हो तो लड़के होते हैं। हाँ, और तीन आठ के कारण राजनीति में सफल। आज मैं आपको नाम की एनर्जी के बारे में ज्ञान दे रहा था। नाम की एनर्जी का क्या फायदा, नाम का महत्व, हमारे जीवन में नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर किसी कारण से हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी सही नहीं है और नाम हम अच्छा रख लेते हैं, तो नाम की एनर्जी से डेट ऑफ बर्थ जो खराब है उसकी भी सही पूर्ति कर। कोई भी नाम शुभ है या नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए किरोपति के आधार पर अंकों को परिवर्तित कर लेते हैं, फिर इन अंकों को योग कर जो संयुक्त अंक आता है उसके आधार पर नाम परिवर्तन किया जा सकता है। किसी नाम को अंक को बदलते रहते हैं, हर व्यक्ति को प्राय दो नाम होते हैं, इसके लिए उस नाम का ही जांचना चाहिए जो ज्यादा प्रचलित हो। इसके अलावा घर में और व्यापारिक क्षेत्र में अलग अलग नामों की प्रसिद्धि होने पर दोनों नामों के संबंध में जांच कर लेनी चाहिए। घरेलू भविष्य के घर में प्रचलित नाम से ही व्यापारिक भविष्य को व्यापार से प्रचलित नाम के आधार पर जाना जाना है। जैसे एक व्यक्ति नाम जिसका दिलीप गर्ग है, जिसके नाम के अंग्रेजी के हमने लिखकर अंकों को बदला जा सकता है। दिलीप के अंक आते हैं डी के चार, आई के एक, एल के तीन, आई के एक और पी के आठ, गर्ग के 3 1 2 3। तो अंकों का योग 17, 17 मीन्स 8, और गर्ग का आता है 9, 8 और 9 17, 17 और 9 26, और 26 का मतलब होता है 6 और 2 8। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 8 अंक का जो व्यक्ति होता है वो शनि प्रबल हो जाता है और जीवन में संघर्ष 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 करता है। और जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि हमारा नाम ठीक नहीं है, हमें अपने नाम को, अभी मैंने बताया था 1 3 5 6 ये नंबर अच्छे होते हैं, तो हमें अपने नाम को 1 3 5 6 पे लाना चाहिए। 1 नंबर सूर्य का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, और 5 नंबर बुध का होता है, और 6 नंबर शुक्र। उसके अंदर भी हम ये सजेशन देते हैं कि 3 नंबर को ना रखा जाए, क्योंकि 3 नंबर वाला व्यक्ति 100% ईश्वरवादी होता है। और कोई भी व्यक्ति माँ बाप अपने बच्चों को भगवान की पूजा तो करवाना चाहते हैं लेकिन उसमें लिप्त कराना नहीं चाहते। अगर कोई संत बना है, कोई पंडित है, तो वो तो 3 पे नाम रखे, अन्यथा 1 पे यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, और 5 पे व्यापार होता है, चतुर्बुद्धि होती है, और 6 पे शुक्र होता है, लग्जरी सुख मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, ये सारे के सारे साधन उसे जीवन में। अशुभ नाम को भी शुभ बनाना, आप लोगों को शायद पता है नहीं पता, इस अंक वाले व्यक्ति 70 और 54 होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जिन पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करते हैं वे इन्हें धोखा देते हैं।
यह जातक अपने विश्वास पात्र व्यक्ति से धोखा खाता है। इनकी इच्छाएं आसानी से पूरी नहीं हो पाती, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस अंक को शुभ नहीं कहा जा सकता, 8 का अंक शुभ नहीं होता। अशुभ नाम को शुभ बनाना है। नाम का अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए नाम की अक्षर स्पेलिंग में परिवर्तन करने की परंपरा अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। लोग, जितना भी विदेशी लोग हैं, सारे के सारे तिरुपति पे डिपेंड कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को ही लागू कर। हमारे हिंदुस्तान में ही वैदिक ज्योतिष का चलन है, अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री एवं इस प्रकार के अन्य प्रतिष्ठित व्यवसाय से जुड़े लोग इस प्रक्रिया में बहुत ही अधिक विश्वास करते हैं। हमारा देश भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिले। फिल्म निर्माता सुभाष घई जी ने अपने प्रत्येक फिल्म में उस अभिनेत्री को लेना पसंद करते हैं जिसका एम अक्षर से प्रारंभ होता था। यदि किसी अभिनेत्री का नाम अन्य अक्षर से प्रारंभ होता था तो उसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता। आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा का असली नाम गोविंद आहूजा था। उसने एक अंक शास्त्री की सलाह पर आहूजा शब्द हटाकर ए को गोविंदा शब्द से जोड़ दिया, इस प्रकार नाम गोविंदा कर दिया, जो कि बहुत अधिक सफल हुआ और फेमस हुआ। यदि आप अपने नाम को स्पेलिंग को बदलकर अपना पूरा नाम ही बदल लेते हैं तो इसके सोचना एवं सार्वजनिक करना किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में छापकर सार्वजनिक नोटिस देना आपके हित में आवश्यक। इसके अलावा नाम परिवर्तन की सूचना अपने बैंक, दूरदर्शन आदि में दे सकते हैं। यदि आप कहीं नहीं दे सकते, कहीं कर भी नहीं सकते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और आप 51 बार अपने नाम को लिखें, 51 दिन तक लिखें, सही करके लिखें, अपने नाम को 1 पे 5 पे 6 पे लाके लिखें, आप देखना आपको जीवन में कितनी बड़ी सफलता मिले। आप बताता हूं, देखिए नाम की स्पेलिंग, हमारे दो संत हुए हैं सेफलर और कीरो। एक कीरो संत हुए हैं और एक सेफलर हुए हैं। सेफलर ने 9 अंकों से इसका व्याख्यान किया था, इसका व्याख्यान 8 अंकों से किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 और 9 में क्या फर्क था। 9 अंक 9 को आप अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 2 2 18 18 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 3 27 इसे जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 आ जाएगा। 9 के पहाड़े को आप कितना भी पढ़ो, 9 9 9 9 51 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उनका, कीरो जी का यह मानना रहा कि 9 का अपना कोई महत्व नहीं है, इसे कितना भी इसे वो कर लो, इसको जोड़ने के बाद 9 ही दिखाई। तो कीरो जी ने इस 9 के शब्द को हटा दिया और 8 अंकों में कभी एक नंबर सूर्य का होता है। यदि किसी ये फिजिक्स नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर, नेम नंबर शुड बी पेयर्ड विद फिजिक एंड डेस्टिनी नंबर, नेम करेक्शन करने की विधि। अगर किसी व्यक्ति का नाम एक नंबर पर होता है, एक नंबर किसको संबोधन करता है, सूर्य, AIJQY, इन नामों के शब्द वाले व्यक्ति सूर्य प्रबल होते हैं, इनमें सूर्य वाला तेज होता है, सूर्य वाला प्रकाश होता है, और ये हमेशा ऊपर उठने की बात करते हैं, कभी दबने की बात नहीं करते, हमेशा राजा की तरह जीवन जीते हैं, सरकारी अधिकारी रहते हैं, सरकार से इन्हें लाभ मिलता है। ये राजा का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सरकार। AIJQY इन शब्दों में से किसी भी शब्द पे है तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति सूर्य से संबंधित गरिमाएं रखता है। भैया आप सब लोग, अब आती है नंबर 2, चंद्रमा रानी, जिसका स्वभाव एक रानी कितना होता है। इसमें क्या देखता हूं, BKR। अब आता है BKR, ये चंद्रमा से संबंधित है।
चंद्रमा प्रबल होते। आर रवि जी बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल प्रवृत्ति के जी बिल्कुल इमोशनल प्रवृत्ति। अब आता है CGLS। सी मैंने CGLS, इसका संबंध गुरु से होता है। इसके नाम वाले व्यक्तियों के अंदर गुरु तत्व की भावना ज्यादा पाई जाती है। DMT 4 नंबर, ये DMT हमारे पास कोई नहीं है, एम भी नहीं है, तो ये राहु प्रवर। आप देखना दीपक, मोना, त्रिवेदी, ये सारे के सारे लोग DMT, ये राहु प्रवर। HNEX 5 नंबर, HNEX 5 नंबर बुध का होता है, इनका संबंध से होता है। UVW 6 नंबर, शुक्र, इनके अंदर शुक्र की प्रधानता अधिक पाई जाती है। UNV 6 नंबर, शुक्र से। अब आता है OZ, ये केतु होता है, केतु, इसका संबंध केतु से। और उसका है F4P। क्या प्रेम लता जी आप शनि प्रबल हैं या नहीं है, सिद्धांतवादी हैं या नहीं है, ईमानदार प्रवृत्ति की हैं या नहीं है। फ्रेंड ऑफ एनिमी नंबर, कौन सा फ्रेंड होता है 1 नंबर का और कौन सा शत्रु होता है, ये मेन टॉपिक है। कौन मित्र होता है, कौन शत्रु होता है, थोड़ी गहराई से पूछना। जैसे किसी का AIJQY इनके साथ शुरू होता है तो उसका 1 नंबर ऑटोमेटिक हो गया, चाहे वो ए से हो या आई से हो या जे से हो या क्यू से हो या वाई से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो उससे। हाँ, अब मैं ये कहता हूं फ्रेंड ऑफ एनिमी नंबर, 1 नंबर के कौन मित्र होते हैं, कौन शत्रु, इनको थोड़ा सा ठीक है। 1 नंबर के फ्रेंड कौन है, 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 9, 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का और 7 नंबर केतु का और 9 नंबर मंगल का, ये 1 नंबर के हैं। 6 नंबर और 8 नंबर 1 नंबर वालों के एनिमी है, 8 नंबर शनि का और 6 नंबर शुक्र का। सूर्य और सूर्य के आगे शुक्र अस्त हो जाता है। नंबर 2 फ्रेंड, नंबर 2 का कौन फ्रेंड है, 1 2 3 4 7 8 9, ये 2 नंबर वालों के फ्रेंड है। और शत्रु कौन है, 5 और 6। हमारे ज्योतिष विद्या के अंदर उन लोगों ने यह बताया 5 नंबर सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन मैं आज दावे के साथ उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, वो लोग तसल्ली से सारी विधि को पढ़ने के बाद अगर स्टूडेंटों को बताएं और स्टूडेंटों का भला हो तो ज्यादा अच्छा है। 2 नंबर 5 नंबर का शत्रु है, 2 नंबर 5 को शत्रु नहीं मानता, लेकिन 5 नंबर 2 को शत्रु मानता है, क्योंकि 5 नंबर 2 नंबर की नाजायज संतान है। 2 नंबर चंद्रमा है और 5 नंबर बुध है, और ऐसे 6 नंबर भी शत्रु। 3 नंबर 1 2 3 5 6 8 9, ये नंबर फ्रेंड है, और एनिमी 4 और 7, ये शत्रु हैं। नंबर 4 फ्रेंड 1 2 5 7 9, और एनिमी नंबर 3 4 6 8, इन्हें का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर न्यूमरोलॉजी सीख के हमें आगे बढ़ना है तो। 5 नंबर बुध का, इसके फ्रेंड 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9, और एनिमी नंबर 2। नंबर 6 3 5 8 9,
ग्रैंड, एक दो चार छह एनिमे, नंबर सात, एक दो चार पांच फ्रेंड, तीन छह सात आठ नौ एनिमे, नंबर आठ फ्रेंड, दो तीन पांच छह एनिमे, एक चार सात आठ नौ, नंबर नौ फ्रेंड, एक दो तीन चार पांच छह और एनिमे सात और आठ नौ। इस तरह से नंबरों के मित्र और शत्रु देखने पड़ेंगे। जब नंबरों की बात आएगी और अगर उसका साथ शत्रु अंक है तो उसके जीवन में परेशानी आएंगी, और उसका मित्र अंक है तो उसके जीवन में नफा लाभ होगा। ऋतिक रोशन जी का नाम आपने सुना होगा, ऋतिक रोशन पहला नाम था। उन्होंने अपने नाम को ऋतिक रोशन बदला। वो जीवन में बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचे। ऐसे ही करण कपूर, उन्होंने अपने नाम को बदला, करीना कपूर, आई की जगह DEN A करा। उन्होंने जीवन में बहुत सफलता पड़ी। काजोल, उन्होंने अपना नाम लिखा, उन्होंने जीवन में बहुत सफलता पड़ी। अजय देवगन, अजय देवगन, उन्होंने अपना नाम लिखा। रानी मुखर्जी, मुखर्जी स्पेलिंग को GI करा, उन्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, इन्होंने अपने नाम को बदला, DN करा, तो इन्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता। करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर, इन्होंने अपने नाम को बदला, करिश्मा SHSMA, इन्हें सफलता। राजकुमार यादव, राजकुमार राय, इन्होंने अपना नाम बदला तो इन्हें जीवन में बहुत सफलता। सुनील सेठी, सुनील सेठी, इन्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिली। ऋतिक देशमुख, मैं बताना चाहता हूं, ऋतिक रोशन जी ने अपना नाम जो नाम रख रखा था उनका क्या था, नया नाम उनका जो पुराना नाम था, टू नंबर पे ओल्ड नेम आ रहा था। डेट ऑफ बर्थ 10/1/1974, फिजिक्स नंबर एक और डेस्ट्री नंबर पांच। अब उनका जो नाम आ रहा था वो दो नंबर पे आ रहा था, ऋतिक रोशन। और ऋतिक जी ने सेम ओनली H एड किया तो उनका नाम आ गया पांच सात में। तो उन्हें जीवन में बहुत बड़ी तरीके वो करे, क्योंकि दो पांच का शत्रु था तो इसलिए दो नंबर से वो कामयाब नहीं हो सके। जब उनका सात नंबर आया तो उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आज आपको नाम के बारे में और एनिमी और शत्रु के बारे में बताने का प्रयास किया। थ्री के फोर और सेवन, भी होगा। थ्री नंबर गुरु का होता है। अब आप इस तरीके से वैदिक क्यों पढ़े जरूरी है। सिक्स का सिक्स भी एनिमी है, थ्री भी एनिमी है, फ्रेंड भी मानते हैं। देखिए इन्हें ना लॉजिक तो है। थ्री क्या है, देवताओं का गुरु है, और सिक्स नंबर राक्षसों का गुरु। हाँ, ये शत्रु नहीं होते आपस में, लेकिन कहीं एक दूसरे एक जगह पर खड़े होते हैं तो ये एक दूसरे का भला भी नहीं सोचते, बस शत्रु नहीं कह सकते हैं ना हम। तो यदि किसी के ग्रेड में तीन छह अंक है तो सारे शत्रु हो जाएंगे। वो तो मूल्यांक और भाग्यांक, तीन का शत्रु नहीं है ये मत। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों गुरु एक दो सेना प्रमुख कहीं आ जाए तो दोनों का भला नहीं होता, दोनों को शांत रहना। मूल्यांक और भाग्यांक में तीन और छह आ रहा है जी तब तो वो एंट्री देखा जाए। जी और छह नंबर आपकी ग्रेड में आ रहा है उससे कोई फर्क, जैसे बृहस्पति गुरु होता है। जी सेवन नंबर है, सेवन है क्या, सेवन का कोई भी एंट्री नहीं। जी क्या बताओ आप, समझे मेरी बात को। जी लेकिन ये दैत्य ग्रह है, दोनों दैत्य हैं। इन जी इनका जो विनाश करा था वो गुरु ने करा था, जी गुरु ने बताया था
मतलब नारायण को, विष्णु भगवान, तो इनके दिमाग में जब से विरोधाभास है। हाँ, तो ये हकीकत है, केतु शक्ति है, केतु धड़ है और राहु बुद्धि है। तो हम इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं, लेकिन सेवन को शत्रु नहीं कह सकते। मैंने कहा ना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसे आप कंफ्यूजन से नहीं, इसीलिए वेदिक की जरूरत पड़ती है, जिससे हम सारी थ्योरी को ढंग से जान सके। कुछ बातें हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जोड़नी पड़ती है, ये एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए ज्योतिष के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो फिक्स नहीं है,